पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत के चुनाव जो हुए थे उनमें जिला पंचायत सदस्य के चुनाव, प्रधानी के और बीडीसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश ने बहुतायत रूप से जिताने का काम किया था उत्तर प्रदेश की महाजनता ने। लेकिन जनता द्वारा दिए गए विशाल जन समर्थन के बावजूद समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की कुर्सी पर जबरन शासन और सत्ता के दबाव में एक तरह से जो जनता ने जनादेश दिया था उसको लूटते हुए समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से हराने का काम किया। और इसीलिए चूंकि जनमत का पूरी तरह से अवमूल्यन किया गया, जनमत को ठुकराया गया, इस जनमत को ठुकराने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने हुंकार भरी है और अपनी बात महामहिम राज्यपाल के माध्यम से अपनी बात सत्ता और शासन के कानों तक पहुंचाने का काम किया है। आज धरना प्रदर्शन के दौरान जो समाजवादी पार्टी में गुटबाजी दिखी उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी जल्दबाजी में चले गए वो भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद कहते हैं। और यहाँ जो पार्टी के तमाम सीनियर साथी मौजूद हैं जो मेरा इंतजार कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद कहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी में आपकी नज़र में गुटबाजी हो सकती है, मेरी नज़र में कोई गुटबाजी नहीं है। दोनों सारे लोग मिलकर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद कहने का काम कर रहे हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।